प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है जर्मनी में नाजीवाद। नाजीवाद का जो सूत्रधार था वो एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के द्वारा जर्मनी में नाजीवाद को स्थापित किया गया। नाजीवाद से अभिप्राय है अधिनायकवाद, तानाशाहीवाद, एक व्यक्ति का राज। उसके मुख से निकली हुई बात ही कानून हो। एक दल, एक व्यक्ति, एक राष्ट्र। नाजीवाद जर्मन गोरों के अंदर विश्वास रखता था। जर्मन जाति, आर्य जाति, आर्य श्रेष्ठ जाति की विचारधारा में विश्वास रखता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हिटलर जर्मनी का नागरिक नहीं था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वोन नामक स्थान पर हुआ था। अगर जर्मनी के संदर्भ में देखा जाए तो हिटलर जो है वो दूसरे देश से आकर, ऑस्ट्रिया से आकर यहां बसा, और यहां बसने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से युद्ध में लड़ा। एक व्यक्ति जर्मनी का नागरिक भी नहीं है प्रारंभ में, उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ है। किस प्रकार से ऑस्ट्रिया से जर्मनी आता है, यहां जो है उसकी माली हालत पहले भी अच्छी नहीं है, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को जब जन्म हुआ, 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वार में, अब हम देखें 25 साल का युवा फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की तरफ से युद्ध में लड़ता है, घायल हो जाता है, अदम्य साहस का प्रदर्शन करता है, और जो है इन्हें जो बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस पदक दिया जाता है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ, वर्साय की संधि जर्मनी से की गई, अपितु जर्मनी के ऊपर वर्साय की संधि को थोप दिया गया, जर्मनी का पूर्णतः निशस्त्रीकरण कर दिया गया, इसकी सेना जो तोड़ दी गई, हथियार बनाने बंद कर दिए गए। यहां जर्मनी के अंदर जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया, जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया, और जर्मन जो राष्ट्र था उसके सभी उपनिवेश और एक बड़ा भूभाग छीन लिया गया, जिसका पूरे के पूरे जर्मनी में विरोध है। वाइमर राज्य जो स्थापित हुआ था उसने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और हिटलर स्वयं एक बात का प्रचार करता है, और उसके मन में इच्छा है कि किस प्रकार से जर्मनी के खोए हुए सम्मान को वापस लाना। एक व्यक्ति जर्मन नागरिक नहीं था, ऑस्ट्रिया का था, लेकिन जर्मनी में आके रहना प्रारंभ किया, यहाँ की सेना में भर्ती हुआ, और जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा, और इसी व्यक्ति ने नाजी दल को, पूरे के पूरे नाजी दल को पूरा जर्मन दल बना के रख दिया। एक दल, एक सरकार और एक देश का नारा जो था वो नारा बुलंद हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक जो है वो है जर्मनी। अच्छा बेटा ये बताओ, आपको जो है मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि आवाज नहीं आ रही आपको? सही आ रही है, क्योंकि यार लीड नहीं है बेटा। अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, बेटा प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का जो राजा था केसर विलियम, जर्मनी का केसर विलियम सत्ता छोड़कर हॉलैंड चला गया, और जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी, फ्रेडरिक
एबर्ट यहां का शासक बना। 1919 में आम चुनाव हुए, इसी समय जर्मनी के अंदर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित होगी, जिसने वाइमर नामक स्थान के ऊपर, क्योंकि यहां क्या था, जो बर्लिन राजधानी थी ना, बर्लिन में अव्यवस्था का आलम था। अब वाइमर नामक स्थान पर सभा आयोजित की जाती थी, इसीलिए वाइमर गणराज्य भी कह देते हैं। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक सरकार को वाइमर गणराज्य भी कहा जाता है। और वाइमर गणराज्य के प्रति लोगों में रोष था, क्योंकि उन्होंने वर्साय की संधि पे हस्ताक्षर किए थे। 1933 ईस्वी में हिटलर के द्वारा वाइमर गणराज्य को समाप्त किया गया। एडोल्फ हिटलर एक कारपेंटर था, एक चित्रकार पेंटर, मजदूरी किया करता। और जो किस प्रकार से वो जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जर्मनी का नागरिक भी नहीं है, लेकिन उसने नारा दिया कि मैं जर्मनी के खोए हुए सम्मान को वापिस लेके आऊंगा। जब जर्मनी के खोए हुए सम्मान को वापिस लेने की बात आई, तो लोग जो है बड़ी संख्या में हिटलर के समर्थन में आ गए, हिटलर के साथ हो गए। अब ऐसे क्या सिस्टम है, देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, प्रथम युद्ध समाप्त होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी को युद्ध का दोषी माना गया, वर्साय की संधि की गई, सेना का निशस्त्रीकरण किया गया, लोगों के ऊपर थोप दिया गया, जर्मनी के अंदर आसमान छूती वस्तुओं की रेट थी, भ्रष्टाचारी लोगों ने जिस प्रकार से इटली में युद्ध काल में भ्रष्टाचार किया था, उसी प्रकार से जर्मनी के अंदर भी भ्रष्टाचार किया था। जब जर्मनी की पराजय हुई तो यहां सरकार स्थापित होगी वाइमर गणराज्य के अंतर्गत। इसी दौरान कहते हैं कि जो है सबसे पहले कहते राजनीति में प्रवेश जो हिटलर के द्वारा होता है, सन 1919 ईस्वी में हिटलर ने सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक छोटे से कर्मचारी के रूप में कार्य किया। काम यह था कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में था, राजनेताओं के फोन टैप करने थे, जो उनकी बातें होती थी उनको टैप किया जाता था। और एक काम और भी था, साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कहते ये टैपिंग की जाती थी। रूस में क्रांति हो चुकी थी, कहीं जर्मन के अंदर भी क्रांति ना हो जाए, साम्यवादी सरकार स्थापित ना हो जाए, और राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल के लोग दूसरे का उकराते, ये तो सरकारी बात थी। सरकारी पार्टी जो थी, राजनीतिक पार्टी जो थी उसमें, वो फोन टैपिंग करवाती थी। इसे जो है राजनीति के हथकंडे, और राजनीति कितनी टूची है, अपने हरियाणा में क्या आ रहा है, टूची राजनीति, कितनी कितनी लोअर दर्जे की राजनीति है, इस बात का इसको आभास हुआ। कहते हैं कि 1920 ईस्वी में जर्मन वर्कर्स पार्टी स्थापित हुई। हिटलर उसमें सात बंदों में एक था, सात व्यक्तियों के द्वारा एक पार्टी स्थापित हुई, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जर्मनी में इस जर्मन वर्कर्स पार्टी को स्थापित करने वाला हिटलर नहीं था, तो एक बंदा, एक व्यक्ति था, एंटन ड्रेक्सलर नामक व्यक्ति था, जिसने पार्टी स्थापित की थी। 1920 में उस पार्टी में आधिपत्य जो हो गया हिटलर का, और हिटलर ने कहते हैं इसका नाम परिवर्तन किया, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल, इसी को हम नाजी पार्टी कहते हैं। जो पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, वो पार्टी अब जाके क्या बन गई, 1920 में राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल बन गया,
यानी नाजी पार्टी बनी। इस पार्टी के सिद्धांत थे, कहते 25 सिद्धांतों की घोषणा की। इसमें प्रमुख प्रमुख सिद्धांत थे। सबसे पहला सिद्धांत था कि वर्साय की अपमानजनक संधि, जिससे पूरा जर्मन राष्ट्र जो अपमानित महसूस कर रहा था, कहते उस संधि को हम समाप्त कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे। इसके साथ जर्मनी में जो यहूदी लोग थे, कहते उनको जर्मनी से बाहर निकाल देंगे, नाजी पार्टी का नारा था। अब ये यहूदिया का क्या रोड़ा था बेटा? यहूदी जो थे, यहूदी कहते यहाँ अल्पमत में थे, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, राजनीतिक रूप से दबंग व्यक्ति, राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति, अधिकारी, इस प्रकार के व्यक्ति हुआ करते। जर्मन लोग और ये व्यापारी थे, जर्मन लोग इनसे घृणा करते थे। एक तो ये मानते थे कि ये शोषण करने वाले हैं, क्योंकि जिनके पास जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनसे जर्मन लोग घृणा करते थे। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहते इसकी पराजय का कारण जर्मन लोग यहूदियों को मानते थे। हिटलर भी मानता था और बाकी सारे भी मानते थे। इस बात का विरोध था, ये नारा दिया इसने, ये जो यहूदियों को देश से बाहर निकाल दूंगा। इसके साथ एक बात और कही कि जर्मन भाषी जो क्षेत्र हैं उन्हें बांध कर एक जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। यानी जितने भी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं उन सभी को मिलाकर एक जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, जो क्षेत्र इससे छीन लिए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उन क्षेत्रों को वापस जर्मनी के अंदर लेके आया जाएगा। और उसके लिए क्या होगा? उसके लिए युद्ध हो, कुछ भी हो, इस बात का प्रचार करना इसके द्वारा प्रारंभ किया। जब इन सिद्धांतों का प्रचार किया तो लोग जो इसके साथ साथ होली साम्यवादी विचारों को रोक लगाने की बात बोलती। 1917 में रूस में क्रांति हो गई। जब 1917 में रूस में क्रांति हुई तो बेटा साम्यवाद स्थापित हुआ वहां। उसके बाद धीरे 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 वहां राष्ट्रीयकरण होगा, सब चाहे क्या, उद्योगपतियों के उद्योग छीन लिए गए, जमींदारों की जमीनें छीन ली गई, मजदूर किसान के अंदर बांट दी गई, राष्ट्रीय संपत्ति बना दी गई। अब साम्यवाद का भय पूरे के पूरे यूरोप में था, अमेरिका में था। यहां क्या हुआ? अब इंपोर्टेंट बात तो यहां थी ना, यहां जो बड़े बड़े, क्योंकि जर्मनी जो एकीकरण से पहले भी जर्मनी जो है सामंतवादी राज्य के रूप में स्थापित रहा, बड़े बड़े जमींदार लोग यहाँ सामंत लोग थे, उद्योग धंधे स्थापित, तो बड़े बड़े उद्योगपति थे यहाँ जो राज्य के संरक्षण में पल रहे थे। अब जिनकी जमीन छीनने का डर था साम्यवाद के कारण, वो लोग क्या करेंगे? उद्योगपति, व्यापारी और जो बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, भूमिपति, ये सारे के सारे जो है हिटलर के समर्थन में आ गए, हिटलर का निभाग लिए सारे लोग। इससे अब एक जर्मनी में हिटलर फेमस हो गया। इसके साथ एक काम और भी इंपॉर्टेंट होता है, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्साय की संधि के बाद जर्मनी की सेना तोड़ दी गई, 1,00,000 सैनिक निश्चित किए थे, बाकी सैनिक कहाँ गए? बाकी सैनिक जो अपने घर जाओ। हिटलर ने जब नारा दिया, ये जो असंतुष्ट जो सैनिक थे, निकाले गए सैनिक थे, जिन पर कोई काम नहीं था, वो सारे के सारे हिटलर की नाजी पार्टी के अंदर इंक्लूड हो चले गए, नाजी पार्टी अपना ली। ये सैनिक बड़े काम के रहे। कहते हैं अब हिटलर ने देखा जिस प्रकार से मुसोलिनी 1922 ईस्वी में इटली की सत्ता स्थापित पर कब्जा कर गया, हिटलर ने भी 1923 ईस्वी में, हिटलर ने जो है जर्मन गणतंत्री सरकार जो थी, गणतंत्र की जो सरकार थी, उस सरकार के का तख्ता पलटने के लिए प्रयास करे, लेकिन बेटा असफल नहीं हुआ, जेल में डाल दिया, हिटलर को जेल में डाल दिया गया। और यहीं पर कहते हैं कि इसने जो है पुस्तक लिखी, मेरा संघर्ष, मीन कैम नामक पुस्तक लिखी, मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाजी दल की बाइबल कहते हैं। जिस प्रकार जो है ईसाई प्रजा बाइबल को महत्व देती है, जिस प्रकार से हिंदू प्रजा
हिंदू जनता महत्व देती है गीता को, मुस्लिम कुरान को देते हैं, क्योंकि नाजी जो है इस पुस्तक को, मेरा संघर्ष नामक पुस्तक को हर नाजी के हाथ में पहुंचे। इसमें क्या था, इसमें जो है एक तो कहते भाई समस्या बतानी, समस्या बताई, समस्या के साथ समाधान बताया, किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए जाए, किस प्रकार से प्रशासन होगा, किस प्रकार से क्या होगा, वो पुस्तक लिखी। जब ये पुस्तक लिखी तो पूरा का पूरा खाका तैयार किया इसने, तो जनता में ने जब ये पुस्तक पढ़ी तो जो है हिटलर के साथ जनता भागी चली गई। अब जो जर्मनी में जो है राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रम दल था, जो नाजी दल बने, ये जो श्रम दल था मजदूरों को लुभाने के लिए था ये सिस्टम, ये बात जो थी कि मजदूर भी ज्यादा से ज्यादा हिटलर की नीतियों से प्रभावित होकर जर्मनी में हिटलर का नहीं भाग लेंगे। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद दोबारा से अपने दल का पुनर्गठन करना प्रारंभ किया। कहते हैं कि जो ये नाजी दल वाले थे इसमें भूरे रंग की कमीज पहना करते, और इटली वाले फासीवाद वाले, फासी वाले वो काली पहनते थे, ये भूरे रंग की कमीज पहनते, और जो है बाजू के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। स्वास्तिक अपना घर आगे सतिया बनाया करा, एक सतिया बनाते हैं अपा घर में, उसको बोलते हैं जो घर में जिस प्रकार आपने देखा होगा पुलिस महकमा में एक अलग सा चिन्ह लगा हुआ बाजू पे, खासकर हेड कॉन्स्टेबल के ऊपर होता हो, इस प्रकार का चिन्ह जो है एक स्वास्तिक का चिन्ह जो लगाया जाता। अब हिटलर ने अपनी जो नाजी पार्टी थी उसमें एक अलग जो है आक्रमक दल का निर्माण किया। एक क्या काम करती थी, एक तो स्वयं जो नाजी पार्टी की सभाएं होती थी उसकी रक्षा करती थी, जो सैनिक थे उनको यहां तक यहां ले दिया, जो सैनिक थे उन सैनिकों को अपनी सभाओं का बॉडीगार्ड बना लिया। दूसरा काम, जो दूसरे लोगों की सभा होती है, दूसरे लोगों की सभा होती है उस सभा को उजाड़ने का काम कर दिया। अगर किसी की सभा हो, नाजी दल वाले गए और उड़ा कराए तो सभा पाठ की, ये काम भी कराया। 1928 और 30 में चुनाव होते हैं, नाजी वालों को कोई सफलता नहीं होती, वर्षाएं की संधि की बात कर रहे हैं लेकिन न कोई सफलता नहीं, मामूली थोड़ी थोड़ी सीट आम। 1932 का चुनाव होता है, 1932 के चुनाव में अब कुछ घटनाएं घटती हैं। 1929 से लेकर 1932 तक जर्मनी में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आती। और भाई जर्मनी में तो बेटा 1919 के बाद, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में दिक्कत होगी शुरू, लेकिन 1919 के बाद भूखमरी, बेरोजगारी, तो 1919 वर्षा की संधि के बाद तो हो ही चुकी थी। जमा यहाँ जो है बार बार जो है हर्जाना पूर्ति देनी पड़ती थी, ये सारे सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंट थे जो जर्मनी के लिए बाधक बने हुए थे। और इस दौरान होगी आर्थिक महामंदी आई। आर्थिक महामंदी में जर्मनी के ऊपर तो जैसे वज्रपात हो गया, जर्मनी में बेरोजगारी, भुखमरी बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पर। इसमें दो चीजें थोड़ी सेफ रही थी, एक तो रहे थे जर्मनी के अंदर एक जो जमीन के मालिक थे ना वो थोड़े बच गए थे, जिनको जो थोड़ा बहुत नुकसान कम हुआ था, अन्यथा जो है उद्योग धंधे सब कुछ चौपट हो गए थे। इनका जो है निर्यात होना तो बिल्कुल ही बंद हो गया, आयात आयात पर डिपेंड कर रहे थे। जो वर्षाए की संधि कहते जो हर्जाना पूर्ति की बात हुई थी वो देने की स्थिति में नहीं थी। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम और भी रहा इस दौरान, इन्होंने हर्जाना पूर्ति देने के लिए जर्मनी को अमेरिका ने ऋण दिया, उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा था, उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा था। और इस आर्थिक मंदी के दौर तो जर्मनी में एक आवाज उठनी शुरू हो गई थी कि आर्थिक जो हम देवा मामले देते,
तो एक साल के लिए इस इनको छूट भी दी गई थी कि इस साल वो ना दो, मत दो, इसका ब्याज मत दो। अमेरिका ने एक साल के लिए ना देने की बात कही थी। बेटा 1932 का जब चुनाव हुआ तो इस दल को सभी दलों से ज्यादा सीट मिल गई और राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को प्रधानमंत्री बना। 1933 की बात है, 1933 में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होता है और 1934 में ही हिंडेनबर्ग की मृत्यु होगी। अब हिटलर प्रधानमंत्री और चांसलर दोनों ही बन गए। हिटलर ने अब क्या है, संसद को भय दिखाकर सांसदों को अरे एक रूल पास करवा दिया। रूल पास क्या करवाया कि जो है हिटलर ही सर्वे सर्वा रहेगा, हिटलर ही सर्वे सर्वा रहेगा, ये रूल लागू करवा दिया। यहां तक का सिस्टम ये रहा। अब जो है उदय के कारण मैं मोटे मोटे आपको ये बता देता हूँ क्या रहा, नाजी दल के उदय के कारण क्या रहे। बेटा नू बताओ यहां तक समझ आया है? बाकी प्रीति, रीना, प्रिया, काजल, दीक्षा, अंजू, आया है? चलो फिर ठीक। नाजी दल के उदय के कारण, सबसे पहला कहते हैं कि नाजी दल का जो उदय का कारण था उसमें वर्सा की संधि को मान लेते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अपमानजनक संधि थी और जर्मनी जो है सभी समस्याओं का जड़ जो है वो वर्सा की संधि को मान रही थी, अपने राष्ट्र का अपमान मान रही थी और जो है अपने गौरव को जो ठेस पहुंची है उस ठेस को कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से बदला लिया जाए। और ये नारा किसने दिया, ये हिटलर ने नारा दिया। और हिटलर ने कहा कि मैं जर्मनी के खोए हुए सम्मान को वापिस लेके आऊंगा। जब हिटलर ने खोए हुए सम्मान की बात करी तो लोग इसके पीछे पीछे लागे। हिटलर ने क्या कहा, हिटलर ने एक बात और कही। हिटलर ने जब चांसलर बना, प्रधानमंत्री और चांसलर, उसी दौरान जनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन हो रहा था। जर्मनी ने क्या कहा, इससे पहले ही पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी कि जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बार बार ये कहना प्रारंभ कर दिया था वर्षा की संधि के बाद ही भी कि भाई आपने वर्षा की संधि में एक बात हुई थी कि सभी राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण किया जाएगा। कई सम्मेलन भी हुए हेग में एक सम्मेलन भी हुए, कई सम्मेलन हुए, लेकिन कोई रिजल्ट को निकला। इसी दौरान यहां निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। जर्मनी ने कहा कि भाई आप जो है जिस प्रकार से जर्मनी का निशस्त्रीकरण किया गया है उसी प्रकार से आप अपना निशस्त्रीकरण भी करें, लेकिन मित्र राष्ट्र खासकर रूस फ्रांस अपना निशस्त्रीकरण करने को तैयार नहीं। इंग्लैंड निशस्त्रीकरण चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पे चाहता है, फ्रांस भी अपनी शर्तों पे चाहता है। जर्मनी का निशस्त्रीकरण तो पूर्ण किया जाए लेकिन खुद का निशस्त्रीकरण किया जाए, अपनी तो खुद फ्रांस ने कहा था कि मैं जो है ये निशस्त्रीकरण कर रहा हूं अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, मुझे जर्मनी से खतरा है, और जबकि जर्मनी का पूर्ण निशस्त्रीकरण कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है हिटलर ने अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाया और राष्ट्रसंघ की सदस्य से त्याग पत्र दिया। जब वार्ता से माले जो साइड में हट गया तो सभी देशों में खलबली मच गई, ये क्या हुआ, और घोषणा कर दी कि हम जो है शस्त्रीकरण करेंगे, यानी हथियार ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। हिटलर ने आर्थिक जो संकट आया था उसको भी प्रथम विश्व युद्ध में पराजय को वाइमर गणराज्य के ऊपर
और जो मित्र राष्ट्रों पे थोप दिया। जर्मनी के लोग इसे हिटलर के साथ साथ उसको जो है हिटलर का समर्थन करते, साम्यवाद का भय दिखाकर हिटलर ने लोगों को अपने साथ कर लिया। हिटलर एक कुशल, एक योग्य कूटनीतिज्ञ था, एक बहुत जबरदस्त वक्ता था। हिटलर जो है जड़ बल का प्रयोग कराया करता, यानी जो उसका एक दल था नाजी दल में अलग दल बना रखा था, जो सभाएं भंग करता था दूसरों की, हिटलर ने क्या करा, हिटलर ने जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए भाषणों का सहारा लिया, अपने जो नाजी दल के जो व्यक्ति थे, लोग थे, उनको भाषण देने में प्रवीण बनाया, उन्हें भाषण देने में की कला सिखाई, और जनता जो चीज चाहती है, जनता जो सुनना चाहती है, जनता में जो दुख है, उस दुख को अपने भाषणों के माध्यम से कहना प्रारंभ कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग जो है जनमत तैयार हो गए हिटलर के पक्ष में। और 1932 का रिजल्ट यही था कि सारे दलों से ज्यादा सीटें हिटलर को मिली थी। बेरोजगार की संख्या बढ़ गई और जो है वस्तु के रेट बढ़ गई, लोग और गणतंत्र इसको संभाल नहीं पा रहा, लोग ज्यादा से ज्यादा। और हिटलर ने नारा क्या दिया, हिटलर ने कहा कि इस बेरोजगार की समस्या को मैं दूर करूंगा, आर्थिक संकट से जर्मनी को मैं उबारूंगा। और बेटा उसका जो मेरा संघर्ष नामक पुस्तक थी, उस पुस्तक में ये इन बातों का वर्णन करता, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने देखा, तो लोग जो ज्यादा से ज्यादा जो है लोग लालायित हुए। हिटलर साम्यवाद का, जो मैंने आपको बार बार बताया कि साम्यवाद का भय, जर्मनी के लोग साम्यवाद को पसंद नहीं करते, लेकिन एक दल बन चुका है साम्यवादी दल। हिटलर ने संसद में आग लगा दी थी और साम्यवादी दल को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, और साम्यवादी दल के जो लोग थे उनको जो है जेलों में डाल दिया, कुछ की हत्या करवा दी, और जो उनकी यातनाएं दी गई थी, और साम्यवादी दल को साइड बाय कर दिया। यहूदियों का दमन किया गया, हिटलर ने चांसलर बनने के साथ ही सभी महत्वपूर्ण पदों के ऊपर अपने लोग बैठा, शिक्षा के ऊपर नियंत्रण कर लिया, संसद के ऊपर नियंत्रण कर लिया, वही पढ़ाया जाएगा जो सरकार चाहती है, वही बताया जाएगा समाचार पत्रों के माध्यम से जो सरकार चाहती है, वही बताया जाएगा जो हिटलर चाहता है। हिटलर ने वक्ता के साथ साथ नाटी के रूपांतरण के साथ साथ एक अलग एक विचार गोष्ठी के रूप में एक अलग सदल बना दिया, कुछ प्रचारक नियुक्त करे, गोबेल्स को प्रमुख प्रचारक नियुक्त करे, अपना जो सब प्रचारक था उसमें कहा करता था कि झूठी बात को बार बार दोहराया जाए कि हो सकता है प्रतीत होने, यानी एक बात को 100 बार झूठ बोलो, अरिष्टाड़ बोलो, नाटक उसके नमक मर्च मसाला लगा के बोलो, जनता की रगन देख के बोलो कि मैं तेरे खातर ये कर दूंगा ये कर दूंगा, जो वर्षाए किसान दिन है, आर्थिक बेरोजगारी, सारी चीजों को बीच में मिला के लाओ, और जो है झूठा प्रचार करो दूसरों को बदनाम करने के लिए, और जो है जनता की नब्ज टटोलने के लिए प्रचार करो। प्रचार होगा क्या होगा, प्रचार होगा तो लोग जो है लोग खींचते चले जाए, और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा, लोग हिटलर का न्याय, नाजी दल को सर्वेसर्वा मान लगे, और जो नहीं माने उनको निर्ममता रूप से कुचल दिया। वाइमर गणराज्य का पतन, हिटलर के सत्ता संभालते ही वाइमर गणराज्य समाप्त, वर्साय की अपमानजनक संधि, क्योंकि वाइमर गणराज्य के द्वारा की, बेटा ये बताइए यहां तक पल्ला पड़ा कि मेरे भाई यहां तक आया कुछ समझ में, चलो मैं आज यहां तक, क्योंकि दो दिन हुआ टॉपिक बड़ा टॉपिक है। तो बेटा हिटलर
बारे में एक बात और भी है, हिटलर के अनुसार हिगल की विचारधारा में विश्वास रखता था, ईश्वरीय के राज्य ईश्वर की देन है, हिटलर के अनुसार राज्य कच्चे माल से बनता है जिसे हम लोक लोक प्रजाति कहते हैं, और राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह प्रजातीय प्रजाति की जाति शुद्धता को बनाए रखे। हिटलर जर्मन जाति की एक ही नारा था कि जर्मन जाति सबसे शुद्ध जाति, सबसे श्रेष्ठ जाति, और जर्मन राष्ट्र सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र का नारा जो है, और जो यहूदियों से और दूसरे लोगों से हिटलर घृणा किया करता था, ये इसका जो है मूल रूप से सिद्धांत रहेगा।